जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी क्रम में केजरीवाल ने ऑनलाइन वीडियो जारी कर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि पहले ये लोग अपनी ही पार्टी के नेताओं से बचे। केजरीवाल ने दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तो और क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल ने अमित शाह से किया सवाल, क्या दिल्ली और पंजाब वाले पाकिस्तानी हैं? अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने अपना वारिस चुना है, लेकिन जनता आपको 4 जून को सत्ता से बाहर करके इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही है। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। केजरीवाल जहां लगातार रोड शो और रैलियां कर जनता के बीच अपनी योजना के बारे में बता रहे हैं, तो वही बीजेपी सरकार पर भी लगातार हमला कर रहे हैं। इसी क्रम में केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कल अमित शाह ने दिल्ली में एक रैली की। इस रैली में अमित शाह ने देश की जनता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आपके समर्थकों को शाह पाकिस्तानी बताने लगे। अमित शाह, दिल्ली की जनता ने 62, पंजाब ने 92 विधायक बनाकर हमारी सरकार बनाई, गुजरात में 14% मत और गोवा में भी जनता ने हमें खूब प्यार दिया। क्या ये सब लोग पाकिस्तानी हो गए हैं? आपकी दुश्मनी मुझसे है, आप मेरे लिए अभद्र भाषा बोलिए, लेकिन आप देश की जनता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मेरे लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपको सीएम पद से हटाने की तैयारी कर चुके हैं, आप उनसे निपटिए। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। डीपी लाइव की रिपोर्ट।